तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अब अगले दिन वैलेंटाइन डे था, इसलिए उसे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलना था और उसके लिए एक गिफ्ट भी लेना था। वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अपना बैग लेकर ऑफिस से निकलने लगती है और अब हमें दूसरी तरफ एक मैट नाम के लड़के को दिखाया जाता है और वो भी अपना काम ख़त्म करके जाने की तैयारी कर रहा होता है। और जिस लिफ्ट में मैट जाने लगता है उसी लिफ्ट में जाने भी होती है और ये दोनों 50वीं मंजिल पर होते हैं। अब लिफ्ट से नीचे आते हुए ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और साथ ही साथ मैट कहता है कि जहां पर सबको 5 दिन की छुट्टी मिली है। और उसी टाइम लिफ्ट में उसे एक आर्ट दिखता है जिसे वो जेनिफर को भी दिखाता है, लेकिन तभी अचानक से इनकी लिफ्ट चलना बंद हो जाती है जिस वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जहाँ पर मैट जल्दी से एमरजेंसी अलार्म बटन दबाता है लेकिन उस बटन का भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ये दोनों कैमरे के अंदर देखकर हाय हेलो करने लगते हैं, लेकिन उस ऑफिस में कल से 5 दिन की लगातार छुट्टी थी इसलिए वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जिसके बाद ये दोनों अपने फ़ोन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन जिस जगह पर लिफ्ट रुकी थी वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। अब जहाँ पर मैट का दिमाग काम करता है और वो जेनिफर से कहता है कि यहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट जरूर होगा, और जहाँ पर अब ये दोनों एमरजेंसी एग्जिट तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनको लिफ्ट में बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं मिलता। अब कोई रास्ता या हेल्प ना मिलने की वजह से ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तब जेनिफर मैट को बताती है कि मैं यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ और मैट उसे बताता है कि मेरी यहाँ पर अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है। अब इन दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर जाता है जहाँ पर अब जेनिफर को टॉयलेट आने लगती है लेकिन वो मैट के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। पर मैट जेनिफर को कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है और फिर मैट उसे अपना खाली थर्मस देता है जिसको जेनिफर भर लेती है। और अब फिर से ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लगते हैं। जेनिफर मैट से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ढूंढने आ सकता है, लेकिन मैट साफ मना करते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं रहता है और इसके साथ साथ किसी को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ काम करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। अब जहाँ पर ये दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं और मैट जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी देखा है और तुम मुझे पहली नज़र से ही बहुत अच्छी लगने लगी थी। ऐसा सुनकर जेनिफर हंसने लगती है। अब जहाँ पर ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं, मैट जेनिफर की पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाता है और जेनिफर ने तो मैट को कार्टून ही बना दिया था। अब यहाँ पर मैट खाने पीने की बातें करने लगता है जिस पर जेनिफर उसे खाने पीने की बात करने से मना कर देती है और उसे कहती है कि हम दोनों के पास जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मैट जेनिफर से बोलता है कि क्या हम दोनों रोमांटिक बातें कर सकते हैं। अब इस पर जेनिफर रोमांटिक बातें करने के लिए मान जाती है जहाँ पर जेनिफर बताती है कि वो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। और ऐसा सुनने के बाद ही मैट के अंदर कुछ कुछ होने लगता है और वो जेनिफर को बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था और हम दोनों उस कंपनी के एक रूम में काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते थे। अब इस तरह की बातें करते करते ये दोनों भी रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब लिफ्ट के अंदर फंसे हुए 4th फ्लोर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। अब जहाँ पर मैट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसलिए इस तरह का प्यार हम करते रहा करेंगे, लेकिन जहाँ पर जेनिफर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज बस सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया है और ऐसा आगे भी कभी नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जेनिफर को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता आ रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूँ। वो कहता है कि मैंने ये कंपनी भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही ज्वाइन की है ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूँ और मौका मिलने पर अपने प्यार का इजहार कर सकूँ। जहाँ पर अब वो ये भी बताता है कि मैंने ही इस लिफ्ट को जाम करवाया है ताकि मैं अपने प्यार का तुमसे इजहार कर सकूँ। और फिर वो अपनी जेब में से एक चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम जहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट लिफ्ट में चाबी लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जेनिफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मैट से हाथापाई करने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए लिफ्ट की चाबी उसी में टूट जाती है और इस बार लिफ्ट सचमुच में ब्लॉक हो जाती है।
अब यहाँ पर मैट फिर से इमरजेंसी डोर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद उनको लिफ्ट के अंदर से एक एग्जिट रास्ता मिल जाता है। अब जहाँ पर जेनिफर उससे कहती है कि पहले मुझे ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठा सकती, लेकिन जहाँ पर मैट को जेनिफर पर भरोसा नहीं था कि वो उसे ऊपर जाकर निकालेगी भी या नहीं, पर फिर भी वो जेनिफर को पहले ऊपर चढ़ा देता है। अब हम वो ही देखते हैं जो मैट सोच रहा था। जेनिफर अकेले ही ऊपर जाना शुरू कर देती है और मैट को वहीं पर बंद कर देती है, लेकिन जहाँ पर जैसे तैसे करके मैट भी ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर जेनिफर का पैर पकड़कर खींचने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों वापस लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और एक बार फिर से ये दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो कैमरे में देखता है कि लिफ्ट में कोई दो लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद गार्ड इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर मैट उस गार्ड को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस गार्ड के कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सिक्योरिटी फुटेज को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेनिफर को कार में बिठाकर कहीं दूर ले जाता है और जहाँ पर वो उसको जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, जेनिफर मैट को मारकर उसे जला देती है। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी और मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।